नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से यूपी मौसम जानकारी न्यूज चैनल में। और ये बात करते हैं उत्तर प्रदेश की अब तक से लेकर रात तक की सभी बड़ी खबरों के बारे में। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर देखिएगा। और हाँ, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दी। साथ ही आप उत्तर प्रदेश के किस जिले से रहते हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं, ताकि हम आपके जिले से जुड़ी सभी बड़ी खबरें आपको लाकर देते रहें। तो चलिए बिना वक्त गंवाए फटाफट से जान लेते हैं उत्तर प्रदेश की पहली बड़ी खबर। 1.43 करोड़ मजदूरों की बेटियों को योगी सरकार की सौगात, शादी में बढ़ेगा सरकारी शगुन। बता दें कि भाजपा जल्द लोक कल्याण संकल्प पत्र में श्रमिकों से किया वादा निभाने की तैयारी में है। बता दें कि श्रमिकों की बेटियों की शादी में अब सरकार 1 लाख रुपए का शगुन देगी। बता दें कि सामूहिक विवाह में होने वाली शादियों में यह राशि इससे अधिक होगी। और इस योजना का लाभ श्रम विभाग के तहत संचालित भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार बोर्ड में पंजीकृत 1.43 करोड़ श्रमिकों के परिवारों को मिलेगा। और श्रम विभाग ने इसे 100 दिन की कार्य योजना में शामिल किया है। साथ ही अगली बड़ी खबर, चाचा शिवपाल के बगावती तेवरों से जूझ रही सपा में टूट तय, योगी से मिले सुखराम बोले अखिलेश के पास मिलने का समय नहीं। ये बताने की सपा मुखिया अखिलेश यादव की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। चाचा शिवपाल के फिर बगावती तेवरों से जूझ रही सपा को एक और झटका पार्टी के राज्यसभा सांसद चौधरी सुखराम दे सकते हैं। बताने की विधानसभा चुनाव से पहले ही उनके बेटे मोहित यादव ने भाजपा का दामन थाम लिया था। अब परिवार के अन्य सदस्यों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से चौधरी सुखराम की मुलाकात के बाद उनके भी भाजपा में आने की चर्चाएं तेज हो गई हैं। बता दें कि इस मुलाकात के बाद सुखराम ने अखिलेश को घेरते हुए कहा है कि उनके पास मुझसे मिलने का वक्त नहीं है। अगली बड़ी खबर, ओला उबर के बाद अब ट्रेवल एजेंसियों ने टैक्सी किराया बढ़ाया, देखें रेट लिस्ट। ये बता दें कि ओला उबर के बाद अब ट्रेवल एजेंसियों ने अपना किराया बढ़ा दिया है। ऐसे में अब लखनऊ आने वाले पर्यटकों और यहाँ से आसपास के जिलों में जाने वालों को टैक्स का बढ़ा किराया देना होगा। बता दें कि घूमना महंगा हो गया है और पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी का सीधा असर पर्यटन उद्योगों पर पड़ रहा है। बताने की आलम है कि ट्रेवल एजेंसियों ने 2 से 5 रुपए प्रति किलोमीटर तक किराया बढ़ा दिया है। और यही वजह है कि लखनऊ में वाहनों की बुकिंग 500 से 700 रुपए महंगी हो गई है। अगली बड़ी खबर, आठवले ने मायावती को दी आराम की सलाह, कहा RPI साकार करेगी बाबा साहेब अम्बेडकर के सपने। बताने को उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को करारा झटका लगा है। बताने की पहली बार बसपा महज 12% वोट शेयर पर ही सिमट गई है और ये बात आपको पता ही है। बताने की इसी पर तंज कसते हुए दलित नेता और रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के चीफ रामदास आठवले ने कसते हुए कहा है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के मिशन को पूरा करने की जिम्मेदारी अब RPI निभाएगी। दोस्तों अगली बड़ी खबर, PM मोदी का निजी सचिव बताकर की ठगी की कोशिश, दिल्ली पुलिस ने शुरू की जांच। ये बताने की खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्राइवेट सेक्रेटरी बताकर एक व्यक्ति द्वारा धोखाधड़ी की कोशिश करने का मामला सामने आया है। बताने की दिल्ली पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है और इस बात की जानकारी खुद दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने ट्वीट करके दिया है। साथ ही अगली बड़ी खबर, उच्च न्यायालय के आदेश के 11 साल बाद अध्यापक की बर्खास्तगी पर रोक, सरकार से जवाब तलब। यह बताने की इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने शिक्षा निदेशक माध्यमिक उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा महाराजगंज के अध्यापक गोविंद प्रसाद द्विवेदी की सेवा समाप्ति आदेश पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही याची अध्यापक को कार्य करने देने तथा वेतन भुगतान करने का निर्देश दिया है। दोस्तों अगली बड़ी खबर, हनुमान जयंती पर मुख्यमंत्री योगी ने दी बधाई और शुभकामनाएं, बोले बजरंग बली की कृपा संपूर्ण सृष्टि पर बनी रहे। यह बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी प्रदेशवासियों को हनुमान जयंती पर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। बता दें कि इस मौके पर उन्होंने कहा है कि परम राम भक्त संकट मोचन मारुति नंदन बजरंग बली की कृपा संपूर्ण सृष्टि पर बनी रहे और सभी के जीवन में सुख समृद्धि एवं आरोग्यता का वास हो। बता दें उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि श्री हनुमान जयंती के सभी प्रदेशवासियों एवं श्रद्धालुओं को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं, परम राम भक्त संकट मोचन मारुति नंदन बजरंग बली की कृपा संपूर्ण सृष्टि पर बनी रहे। वहीं अगली बड़ी खबर, आजादी का अमृत महोत्सव, यूपी में 7 दिनों तक चलेगा विशेष सफाई अभियान, बनाए जाएंगे 1000 अमृत सरोवर। चौदानी के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने कहा है कि आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आगामी 5 वर्ष में प्रदेश में 1000 अमृत सरोवर बनाए जाएंगे और 2024 तक सभी शहरों में कूड़े के पुराने ढेरों से निजात मिलेगी। बताने की नगर विकास निदेशालय में विशेष सफाई अभियान का वर्चुअल शुभारंभ करते हुए शर्मा ने कहा है कि इसके लिए पूरे प्रदेश में 60 दिनों तक विशेष सफाई अभियान चलाया जाएगा।
अगली बेहद बड़ी खबर पत्रकारों की रिहाई की मांग को लेकर आज बलिया बंद व्यापारी और छात्र संगठनों ने किया समर्थन। जी हां, बता दें उत्तर प्रदेश के बलिया के निर्दोष पत्रकारों की रिहाई एवं डीएम और एसपी के निलंबन की मांग को लेकर संयुक्त पत्रकार संघर्ष मोर्चा की बैनर तले चल रहे धरना के क्रम में आज हुई बैठक में बलिया बंद करने की घोषणा की गई है। बताने के जिले के विभिन्न व्यापारी संगठनों के अलावा छात्र संगठनों की ओर से इसका समर्थन किया गया है और बलिया बंद को सफल बनाने के लिए व्यापारी और छात्र संगठनों की ओर से पूरी ताकत झोंकने के लिए तैयारियां अभी भी तेज हो गई हैं। देते हैं अगली बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश की आगरा में ताज कार रैली में दुबई के प्रतिभागी भी करेंगे फर्राटा, विजेताओं को मिलेंगे 2 लाख रुपए का इनाम। जी बता दें कि आगरा में जिला प्रशासन, उत्तर प्रदेश पर्यटन एवं मोटर स्पोर्ट्स क्लब संयुक्त तत्वाधान में 29 से 1 मई तक होने वाली द आगरा ताज कार रैली में दुबई के प्रतिभागी भी भाग लेंगे। बता दें कि प्रसिद्ध नेविगेटर मुस्तफा और यूट्यूबर कर्मजीत सिंह भी रैली में शिरकत करेंगे। बता दें कि अभी तक 20 रजिस्ट्रेशन सुपर सेवर वाले हुए हैं। आपको बता दें कि इस बार प्रोफेशनल श्रेणी में कुछ इनामी 2 लाख रुपए है जो कि विभिन्न श्रेणियों में बांटी जाएगी और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन इस बार भी इस रैली का प्रायोजक है। बता दें कि राजीव गुप्ता ने बताया है कि पुरस्कार वितरण के लिए जाने माने रैली कर्ता मूसा शरीफ आएंगे। वह 30 वर्षों से मोटर स्पोर्ट्स में हिस्सा ले रहे हैं और वह 7 बार के नेशनल चैंपियनशिप विजेता हैं। अगली बेहद बड़ी खबर, नहीं रही गोलमाल की रत्ना मंजू सिंह, दिल का दौरा पड़ने से निधन। बताने की बॉलीवुड इंडस्ट्री से एक बुरी खबर सुनने में आ रही है। बताने की अमोल पालेकर की फिल्म गोलमाल समेत कई बॉलीवुड मूवीज का हिस्सा रही एक्ट्रेस मंजू सिंह का निधन हो गया है। बताने की वे टीवी इंडस्ट्री का भी हिस्सा रही थी। वे एक एक्ट्रेस के अलावा अच्छी प्रोड्यूसर भी थी। अगली बड़ी खबर, अपराधियों का कसता शिकंजा, अमेठी में पुलिस एनकाउंटर में 25,000 के इनामी 2 बदमाश गिरफ्तार। जब बताने उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में पुलिस मुठभेड़ में 25,000 के इनामी 2 बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक अभियुक्त के पैर में गोली लगी है, वहीं एक सिपाही भी घायल हो गया है। बताने की गौरीगंज मुसाफिर खाना मार्ग पर चिलबीली के पास 2:30 बजे मुठभेड़ हुई। दोनों मुशीगंज में हुए मुर्गा लूट कांड और गौरीगंज में किराना व्यवसाय से की गई लूट मामले में वांछित थे। अच्छा, अगली बड़ी खबर, कृषि विज्ञान केंद्र के खाली पदों पर होगी भर्ती, योगी सरकार की जाने तैयारी। बताने को उत्तर प्रदेश के सभी कृषि विश्वविद्यालयों में आगामी 6 महीनों में 417 रिक्त शैक्षणिक पदों को भरा जाएगा, साथ ही कृषि विज्ञान केंद्र के 143 रिक्त पदों को भी भरा जाएगा। आपको बताने की प्रदेश में 4 कृषि विश्वविद्यालय अयोध्या, कानपुर, मेरठ व बांदा में स्थित है और प्रदेश में कुल सृजन 89 कृषि विज्ञान केंद्र क्रियाशील है, जिसमें ICAR, BHU, CERT नैनी कृषि संस्थान एवं NGO संस्थाओं से 22 कृषि विज्ञान केंद्र आच्छादित हैं। अगली बेहद बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में अफसरों का फेरबदल जारी, गोरखपुर SSP समेत 2 IPS का तबादला। जी बता दें कि एक और बार प्रदेश ने 2 IPS अफसरों का तबादला कर दिया है। बता दें कि मुजफ्फरनगर में तैनात ASP कृष्णा कुमार को ASP सिटी गोरखपुर और मेरठ में तैनात ASP सूरज कुमार राय को ASP ग्रामीण सहारनपुर बनाया गया है और दोनों वर्ष 2018 बैच के IPS हैं। अगली बेहद बड़ी खबर, मुर्तजा की रिमांड खत्म, आज गोरखपुर जेल भेजा जाएगा। ये बता दें कि गोरखनाथ मंदिर के सुरक्षा कर्मियों पर हमला करने के आरोपी अहम मुर्तजा अब्बासी की रिमांड अवधि आज पूरी हो गई है। उसने कई जानकारियां ATS व खुफिया एजेंसियों को मिली है। बताने की उससे कई जानकारियां ATS व खुफिया एजेंसियों को मिली है, अब उसे गोरखपुर जेल में भेज दिया गया है। बताने की ATS के मुताबिक फोरेंसिक विशेषज्ञों ने लैपटॉप से कई दस्तावेज रिकवर कर लिए हैं और मुर्तजा के मोबाइल से मिले दस्तावेजों से इसका मिलान कराया जाएगा। दावा किया जा रहा है कि मुर्तजा के खिलाफ ATS को कई साक्ष्य मिल गए हैं और इस आधार पर आगे की पड़ताल की जा रही है। अगली बेहद बड़ी खबर, प्रयागराज में एक परिवार के 5 लोगों की बेरहमी से हत्या, इलाके में फैली सनसनी। बताने की प्रयागराज शहर के करीबी 35 किमी दूर नवाबगंज में आज एक ही परिवार के 5 लोगों की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई है। बताने की नवाबगंज थाना क्षेत्र के खागलपुर गांव में किराए पर रहने वाले राहुल तिवारी 42 वर्ष, उनकी पत्नी प्रीति 38 वर्ष व 12 साल की 3 बच्चियां माही, पीहू और पाही को मौत के घाट उतार दिया गया है। बताने की आज एक ही कमरे में 5 शव मिलने के बाद हड़कंप मच गया है और खागलपुर गाँव में SSP के अलावा कई थानों की फोर्स और डॉग स्क्वाड की टीम पहुंच गई है। दोस्तों, यूपी मौसम जानकारी में आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करके हमें सपोर्ट जरूर करें। और हर रोज शाम के ऐसी ताजा अपडेट के लिए यूपी मौसम जानकारी को अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी के निशान को जरूर दबा लें। धन्यवाद।